नमस्ते दोस्तों वेलकम टू द्ञान इलेक्ट्रिकल सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के बारे में सो फ्रेंड्स जनरली मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं ये जो प्रोटेक्शन है उतने प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर में रहते हैं तो फर्स्ट ये डिफ्रेंशल प्रोटेक्शन आर प्रोटेक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन नॉर्मल अर्थफ फॉल प्रोटेक्शन ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन स्टैंड बाय अर्थवॉल्ट प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड कॉमन प्रोटेक्शन सो गाइस कॉमन प्रोटेक्शन मतलब कि ऑयल टेम्परेचर वाइडिंग टेम्परेचर बुकोज प्रोटेक्शन पी आर वी प्रोटेक्शन वो सब प्रोटेक्शन को कॉमन प्रोटेक्शन में काउंट करते हैं तो गाइज इतने ये जो लिस्ट है उतने टाइप के प्रोटेक्शन जनरली ट्रांसफॉर्मर में रहते हैं तो चलो वन बाय वन हर एक प्रोटेक्शन के बारे में आगे देखते हैं इस वीडियो में सो so फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से तो गैस ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉमर के इंटरनल फोल्ड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए लिया रहता है कि अगर ट्रांसफार्मर में इंटरनल फोल्ड होगा फेस टू फेस या तो फिर फेस टू अर्थ तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होगा और आपके ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा ही हैवी फोल्ड करंट फ्लो होने से अब गई नेक्स्ट प्रोटेक्शन है वो है आर प्रोटेक्शन तो गाइज जो आर प्रोटेक्शन है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फोल्ड प्रोटेक्शन वो मोस्ट सेंसिटिव प्रोटेक्शन है ट्रांसफॉर्मर में कि अगर ट्रांसफॉर्मर में अर्थ अर्थफोल्ट होगा इंटरनल अर्थ अर्थफोल्ट पर्टिकुलरली स्टार वाइंडिंग में होगा तो फिर आर ई एफ प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होगा और ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट कर लेगा सो फ्रेंड्स ये आर ई एफ प्रोटेक्शन है वो भी पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फोल्ट प्रोटेक्शन के लिए है और उसमें भी पर्टिकुलरली स्टार वाइंडिंग को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आर ई एफ प्रोटेक्शन यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मर में सो so फ्रेंड्स ये बात हो गई आर प्रोटेक्शन की और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की ये जो दोनों प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फोल्ट के लिए ही है कि अगर ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फोल्ट हो गए तो ही ये दोनों प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट हो और ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करेंगे सो फ्रेंड्स अब ट्रांसफॉमर के आउटर साइड अर्थ अर्थफोल्ट होगा इंटरनल अर्थ अर्थफॉल्ट होगा तो आर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट कर लेगा बट अगर आउटर साइड फॉल्ट होगा तो फिर क्या तो बैस उसके लिए हम रखते हैं अर्थ अर्थफोल्ट प्रोटेक्शन सो so फ्रेंड्स ये जो अर्थ अर्थफॉल प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मर में इसलिए लिया रहता है कि अगर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर के आउटर साइड सिस्टम में अगर कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर uh, में अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लिया रहता है कि अगर जो अगर आउटर साइड सिस्टम में कहीं पर भी अर्थ फॉल्ट हुआ और उसका करंट है वो जो ट्रांसफॉर्मर के रिले में प्रोटेक्शन में सेटिंग लिया रहता है उस वैल्यू से ज़्यादा हुआ पिकअप वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो फिर वो ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करवा देगा और जो आपकी सिस्टम है उसको आइसोलेट कर देगा ट्रांसफॉर्मर से जिससे ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर में से हेवी करंट फ्लो ना हो और ट्रांसफॉर्मर में कोई दूसरी दिक्कत ना है इसलिए ये अर्थ अर्थफुल प्रोटेक्शन भी ट्रांसफार्मर में लिया रहता है सो so फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट प्रोटेक्शन वो है ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन तो भाई इस ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन रखने का रीजन ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक कोर रहती है उसको प्रोटेक्शन देता है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक कोर है वो डिजाइन रहती है कॉन्स्टेंट फ्लक्स कैरी करने के लिए अगर जो उसकी उसका फ्लक्स है जो फ्लक्स कैरी कर रहा है मैग्नेटिक कोर वो कुछ लिमिट से बढ़ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर की कोर है वो परमानेंट या तो फिर टेम्पररी सेचूरेट हो जाएगी और वो ट्रांसफॉर्मर के लिए अनहेल्दी है तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर में लिया रहता है तो गाइज़ अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओवर करंट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में तो गाइज करंट प्रोटेक्शन जो है वो है, वन टेन या तो वन फिफ्टीन परसेंट पे रखा रहता है ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट से तो गाइज़ अगर ओवरलोड लोड ट्रांसफॉर्मर होगा या तो फिर उसका जो रेटेड करंट से उससे वन टेन या वन फिफ्टीन परसेंट ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा गाइज़ कि ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रिप करवा देगा तो क्या है कि ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड पर नहीं चलेगा और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो वन टेन परसेंट ऑफ फॉल्ट करंट रहता है मतलब कि फॉल्ट करंट यानी कि रेटेड करंट डिवाइड बाई रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉमर तो so, ट्रांसफॉर्मर है वो वन टेन परसेंट ऑफ फॉल्ट करंट लेगा तो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर ऑटोमेटिकली ट्रिप करवा देगा रिले और प्रोटेक्ट कर लेगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से सो so, फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में सो फ्रेंड स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो बैकअप प्रोटेक्शन है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर ट्रांसफॉर्मर का अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं हुआ तो एज अ बैकअप स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वर्क करेगा और आपकी रिले को ट्रिप करवा देगा और सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा तो कैस जो अर्थ फॉर प्रोटेक्शन और स्टैंड बाय अर्थ फॉर प्रोटेक्शन दोनों का जो करंट वैल्यू रहेगा पिकअप करंट वैल्यू वो दोनों का सेम ही रहेगा बट डिफरेंस रहेगा टाइम डिले में अर्थ फॉर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन है नॉर्मल अर्थ फॉर प्रोटेक्शन उसका टाइमिंग है वो कम रहेगा कंपेरेटिवली स्टैंड बाय अर्थ फॉर प्रोटेक्शन सो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में तो कैसे जनरली पावर ट्रांसफोर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो दो स्टेज में लिए रहते हैं स्टेज वन जिसमें वन टेन परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज लिया रहता है और जो टाइमिंग है वो जनरली थोड़ा ज़्यादा लिया रहता है तीन सेकेंड से फाइव सेकेंड तक का और स्टेज टू में क्या है कि वन फोर्टी परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज लिया रहता है और जो टाइमिंग है वो एक बहुत ही कम लिया रहता है और इंस्टेंट लिया रहता है पॉइंट टेन टू पॉइंट फाइव जीरो सेकेंड तक सो so फ्रेंड्स ऐसे ही हम बात करें अंडर वोल्टेज की तो अंडर वोल्टेज में भी दो स्टेज लिया रहता है स्टेज वन जिसमें एटी फाइव परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज रहते हैं और तीन से फाइव फाइव सेकेंड तक का टाइमिंग डिले लिया रहता है और स्टेज टू में सेवेंटी परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज रहते हैं और ऑपरेटिंग टाइम है वो ऐसे ही पॉइंट वन जीरो से पॉइंट फाइव जीरो सेकेंड इंस्टेंटेन्यूसली ट्रिप लिया रहता है सो so फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कॉमन प्रोटेक्शन जो हर एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर लिया रहता है जैसे कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर उसमें कहीं क्या रहता है कि अलाराम स्टेज भी लिया रहता है और ट्रिप स्टेज भी लिया रहता है उसके बाद कहीं वूकोजी रिले तो रिले में भी वैसे ही रहता है अलार्म प्लस ट्रिपिंग और पी रहता है कि अगर ट्रांसफॉमर का इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा तो वो पी आर इंस्टेंट ट्रिप रहता है कि वो पी आर ऑपरेट होगा और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर लेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिर्फ हर एक प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर का हर एक प्रोटेक्शन का सिर्फ ब्रीफ किया हुआ है लेकिन अगर आपको और एक प्रोटेक्शन डीपली जानना है तो मैंने उसका पर्टिकुलरली एक एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल में उसका पूरा प्ले है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे थैंक यू गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में